हाँ भाई साहब, बहुत बुरी हालत चल रही है टांगों की, क्योंकि कल भी कहीं गए हुए थे ना। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। तो भाई साहब, यहाँ पे जो इस समय माहौल है काफ़ी गर्म है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया इतने सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे। हम सोचते थे पूरे रास्ते व्लॉग करते रहेंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ तो मेला लगा हुआ है लिटरली। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, बहुत कम लोगों ने मास्क लगा रखा। हम लोग मतलब अभी यहाँ पे इस छतरी में यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मास्क हटा के बैठे। बाकी भाई साहब पूरे रास्ते हमारे तो मास्क हटाने की हिम्मत नहीं हो रही। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, रणथंभौर के मंदिर, गणेश जी के मंदिर। और एक बात और बताऊँ, ये है डॉक्टर भानु और ये हमारे साथ मतलब कभी गए हैं हम लोग पहले कॉलेज टाइम में, बहुत राइड किया करते थे, बहुत राइड किया करते थे उस टाइम, कभी वीडियो बनाने का बाइक राइड। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वापस कॉलेज की यादों को ताज़ा करने के लिए निकले। हो गए होंगे 5-7 साल? हाँ, 5-6 साल से ज़्यादा हो गए। 6 साल से ज़्यादा हो गए हम लोगों को कोई बाइक राइड किए हुए साथ में। अभी तो यहाँ से थोड़े से नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, आप भी नज़ारों का आनंद लीजिए। भाई साहब ये जैकेट भी है, प्लस इसमें अंदर लाइनर लगा हुआ है, गर्मी के अंदर अभी बहुत ही भयंकर हाल हो रहा है। छोटी सी लोकेशन मिली थी और यहाँ पे बड़ी प्यारी नक्काशी करी हुई है पत्थरों के ऊपर, तो आप एक बार उसको क्लोजअप में देखिए, फिर आपको लेके चलते हैं आगे मंदिर में। बस मंदिर आने वाला है, देखो कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, ये पूरा पत्थर की नक्काशी करके बनाया हुआ है ना, शानदार। ऐसे पोज मारो। कुछ नहीं, पागल बना रहा हूँ इसको, पागल। किसमें से आवाज आ रही है? नाउ अब हम देवी मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक मिनट बाहर आ रहे हैं, आराम से लाइए। सही, सीधा करना सर, आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं सर। अच्छा, आज आप हमारे एंकर बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा पुरातत्व मंदिर है, वर्ल्ड हेरिटेज। रो रो रो, हमला 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 हमला।
तो ये है मेन गणेश जी का टेंपल। तो जैसा कि सुबह हम लोग केवल पाव भाजी खा के निकले थे, अभी ली है यहाँ पे ये पोहा प्लेट 20 रुपए की एक प्लेट दी है। मंदिर परिसर में ही है, परिसर में लगा रखी है दुकान। तो फटाफट इनको खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आप जब तक स्टे ट्यून। शक्लों पे 12 बजे हुए हैं यार। ओके, अभी तो मास्क हटा लेते हैं क्योंकि भाई साहब हम ऐसे रूट पे आ गए हैं जो कि जो मेन ट्रैक है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं कि इधर काली माँ का टेंपल बता रहे हैं, तो देखते हैं उस काली माँ के टेंपल में आखिर क्या, क्या है, वहाँ पे भी लोग वहाँ बैठे तो हैं। हम वापस जा रहे हैं हमारे लिए। हम कच्चे रास्ते से जा रहे हैं पगडंडी से, बिल्कुल पगडंडी वाला रास्ता। यहाँ पे काली माँ का मंदिर था, था नहीं इसलिए आपको दिखाया नहीं। ओके, टाइम हो गया है 3:14 और हम लोग अब रिटर्न कर रहे हैं वापस जयपुर की साइड। चलिए फिर निकलते हैं। तो हम लोग वापस घर की तरफ निकल रहे हैं, 3:15 हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो भाई साहब आ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए बारिश के सीज़न में। बारिश के सीज़न में आपको यहाँ पे कमर तोड़ हरियाली देखने को मिलेगी और साथ साथ देखने को मिलेंगे बहुत सारे जानवर। हमें तो खैर अभी तो यहाँ पर लंगूर ही मिले हैं, इस साइड कोई ज़्यादा खास जानवर मिले नहीं। सुबह जाते टाइम यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भड़का हो रखा था क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों में साइड देने का इशू थोड़ा सा आता है। तो भाई साहब आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।